हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं यहां पर नेक्स्ट स्टार्ट करता हूं सब स्पेस। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा, वेक्टर स्पेस, उसकी डेफिनेशन देखी, उसके कई सारे एग्जांपल्स देखे और फिर क्वेश्चंस भी एक दो मैंने बताया आपको। अब यहां पर मैं बताने वाला हूं आपको सब स्पेस। तो डेफिनेशन मैं सबसे पहले लिखता हूं इसकी, लेट वी ओवर एफ बी अ वेक्टर स्पेस, बी अ वेक्टर स्पेस एंड डब्ल्यू डज नॉट इक्वल टू फाई, W does not equal to phi, which is a subset of V, is said to be subspace of V over F, if W over F is a vector space over same field। तो यहां पर मैंने क्या बताई फ्रेंड्स, डेफिनेशन V over F be a vector space and W is non-empty set which is a subset of V is said to be subspace of V over F if W over F is a itself a vector space। जैसे कि मैंने बताया था आपको, फील्ड सब फील्ड में भी बताया था आपको कि उसकी सब फील्ड क्या होगी, कि अगर हम फील्ड का कोई सेट लें, सबसेट लें, फील्ड का कोई सबसेट लें और उसको फील्ड प्रूफ कर दें, लाइक उसको फील्ड बता दें तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, उसकी सब फील्ड है। तो यहां पर भी सेम फ्रेंड ऐसा ही है कि यहां पर मैंने क्या किया है, वी ओवर एफ है मेरे पास वेक्टर स्पेस और डब्ल्यू ओवर एफ जो डब्ल्यू है मेरे पास वो क्या है, सबसेट है वी का। तो यहां पर डब्ल्यू ओवर एफ क्या होगा, वेक्टर स्पेस, लाइक सब स्पेस होगा वी ओवर एफ का। ओके, तो एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग, यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहां पर मेरे पास एक एग्जाम्पल है, V is equal to मुझे given है R और यहां पर जो फील्ड मैंने ली है Q over root 2। तो यहां पर मेरे पास जो V over F, अगर मैं इसको लिखूं सही से, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, V over F is a vector space। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास क्या होगा, ये vector space होगा friend। तो ये V over F is equals to मेरे पास क्या है, R over Q root 2 है। अच्छा, ये मेरे पास vector space है। अब आपको बताना है कुछ, मैं चार, हाँ, फोर एग्जाम्पल, लाइक फोर ऑप्शन दे दे रहा हूँ, इसमें कौन सा सबस्पेस होगा, लाइक Q over Q root 2। सेकेंड है मेरे पास Q root 2 over Q। और फिर थर्ड है Q root 2 over Q root 2। एंड फोर्थ है फ्रेंड मेरे पास C over Q root 2। ओके, तो यहां पर फोर ऑप्शन है। देखिए, यहां पर मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको सब स्पेस का, कि V वेक्टर स्पेस मुझे कोई गिवन होगा, हमें अब ये बताना होगा कि ये जो सेट होगा वो वेक्टर स्पेस का, लाइक उसका सब स्पेस होगा कि नहीं होगा, तो हमें ये बताना है। देखिए, अब अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो अभी तो शायद नहीं बता पाएंगे, अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग कर रहे हैं, लाइक स्टार्टिंग है आपकी, तो अभी तो नहीं बता पाएंगे आप इसको। इसको बताने के लिए कि सब स्पेस होगा कि नहीं होगा, देखिए मैं सारी चीजें धीरे धीरे चलूंगा, मैं सारी चीजें आपको धीरे धीरे बताऊंगा और धीरे धीरे ही सारी चीजें आपको आएंगी। ओके, तो आप देखेंगे, और हाँ, ये भी आप देखेंगे कि सब कुछ मैं बता डालूंगा आपको, जैसा कि आप ग्रुप थ्री में जानते ही हैं कि मैंने सब कुछ बता दिया आपको। अगर देखा जाए तो मैंने सब कुछ बता दिया, और रियल में भी मैंने सब कुछ बता दिया है, कुछ चीजें हैं उसको मैं बता दूंगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसमें से कौन सा होगा जो सबस्पेस होगा इसका, तो इसको बताने के लिए मैं यहां पर एक नोट लिखता हूं, उसको आपको देखना होगा अच्छे से। एक नोट बताता हूं फ्रेंड, एक मैं यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं उसके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं फ्रेंड। तो अगर जब आप वो नोटेशन, लाइक उस नोट्स को अच्छे से देखेंगे, आप उस लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे, तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसका ऐसे किसी टाइप का भी क्वेश्चन हो, आप आराम से बता सकते हैं। तो वहां पर मैं एक नोट बता रहा हूं, एक नोट लिख रहा हूं, इफ एफ ओवर एफ डैश is a vector space if f over f dash is a vector space, like f or f dash kya hai mere paas, field hai, if f over f dash is a vector space where f and f dash is field
f and f dash is filled, then like if f over f dash is a vector space where f and f dash is a field, then f1 over f2 is a subspace, subspace of f over f dash if following three condition. अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर three condition कुछ बताऊंगा, अगर उसको follow करता है तो हम बोलते हैं कि f over f dash जो है ये f1 over f2 जो है वो f over f dash का subspace होगा friend. Okay, तो यहाँ पर मैं three condition यहाँ पर लिख रहा हूँ. First condition मेरे पास है friends, यहाँ पर जो पहले तो मैंने ये चीज बताई आपको कि सब स्पेस हम कब बोलेंगे, सब स्पेस के लिए फील्ड सेम होनी चाहिए. यहां पर देखिए मैंने बोला हुआ है सेम फील्ड, फील्ड सेम होना चाहिए. तो इसका मतलब क्या है कि वेक्टर स्पेस की फील्ड क्या है, एफ डैश है. वेक्टर स्पेस की फील्ड क्या है, एफ डैश है. तो यहां पर सब स्पेस की भी फील्ड क्या होनी चाहिए, एफ डैश ही होनी चाहिए. तो फर्स्ट कंडीशन यही होती है फ्रेंड कि ये आपका जो एफ टू होगा वो एफ डैश के इक्वल होगा. जो एफ टू होगा, F2 होगा वो F डैश के इक्वल होगा फ्रेंड. तो फर्स्ट कंडीशन मेरे पास ये आती है कि जो F2 होगा वो F डैश के इक्वल होना चाहिए. ओके, सेकंड कंडीशन क्या है फ्रेंड मेरे पास, सेकंड कंडीशन है कि जो F2 होना चाहिए वो भाई देखो F1 ओवर F2 सब स्पेस कब होगा, जब अपने आप में ही वेक्टर स्पेस होगा. अपने आप में ही वेक्टर स्पेस होगा इसका मतलब क्या है कि जो फील्ड होनी चाहिए ये इसका सबसेट होना चाहिए. ये जो F2 होना चाहिए वो F1 का सबसेट होना चाहिए फ्रेंड. तो यहां पर क्या होगा, F2 इज अ सबसेट ऑफ F1. F2 is a subset of F1. और मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि ये जो W है मेरे पास, ये जो W है ये भी सबसेट होना चाहिए V का. मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको कि W is a non-empty set which is a subset of V, जो क्या है, सबसेट है V का. तो इसका मतलब क्या है, ये जो F1 होना चाहिए आपका ये F का सबसेट होना चाहिए, ये F का सबसेट होना चाहिए. क्योंकि फील्ड तो आप सेम कर ही दे रहे हो, इसका मतलब क्या है ये भी जो होना चाहिए वो भी इसका सबसेट होना चाहिए. तो देखिए यहां से सारी चीजें कंसीडर हो रही हैं, यहां से सारी चीजें डिफाइन हो रही हैं, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है यहां पर आपको. तो यहां पर थर्ड नंबर क्या है कि जो मेरे पास F1 होना चाहिए वो सबसेट होना चाहिए F का फ्रेंड. तो यहां पर तीन चीजें हो गई, F2 is equals to F dash, पहली चीज तो सेम फील्ड होनी चाहिए, फिर उसके बाद क्या है F1 is a subset of F, और ये जो अंदर फील्ड है ना ये F1 का सबसेट होना चाहिए, ये F1 का सबसेट होना चाहिए. तो यहां पर मेरे पास थ्री कंडीशन आ गई. अब देखिए, अब इस यहां से आप देख सकते हो, अब ये जो मेरे पास कंडीशन आई है इनसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो फ्रेंड. ओके, अब आप देख सकते हैं यहां पर इस क्वेश्चन को क्या है, इससे ये इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप अटेम्प्ट कर दोगे, डेफिनेटली अटेम्प्ट कर दोगे. ओके, तो यहां पर देखते हैं हम लोग, यहां पर देखिए, हाँ अब देखते हैं यहां पर R over Q root 2 कौन सा इसमें सबस्पेस होगा. तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो फील्ड देखनी है. फील्ड यहां पर Q over root 2 यहां पर फील्ड है, यहां पर भी Q over root 2 है. ओके, यहां पर क्या है, Q है यहां पर Q over root 2 है. तो इसका मतलब है ये कट, ये सबस्पेस नहीं बनने वाला है क्योंकि मैंने क्या बोला है, सेम फील्ड. ये देखिए इसको गौर करिए जरा, सेम फील्ड बोला, फील्ड सेम होनी चाहिए. तो इसका मतलब ये कट हो गया, ये नहीं बनने वाला है. यहाँ Q over root 2 है यहाँ भी Q over root 2 है. ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं कि प्रॉपर्टी देखते हैं, F2 is a subset of F1 and F1 is a subset of F. अब आप देखिए यहाँ पर इसको C वाले को देख लेते हैं जरा सा, क्या C जो है ये हम क्या F1 F2 डिफाइन कर रहे थे ना, इसको F1 F का सबसेट होना चाहिए. तो क्या ये C R का सबसेट होगा, C जो है क्या ये R का सबसेट होगा, नहीं होने वाला है. इसका मतलब क्या है, ये भी सबस्पेस नहीं बनाएगा फ्रेंड. ओके, दो मेरे पास कट हो गए, डिस्कार्ड हो गए. अब बात आती है इसकी और इसकी, इसमें देखिए ध्यान से आप फ्रेंड, इसमें देखिए Q root 2 है, ठीक है, Q सबसेट है R का, ये भी ठीक है. दो कंडीशन इसमें फॉलो कर गई. F1 is a subset of F आ गया, और यहाँ पर सेम फील्ड हो गए. तीसरी कंडीशन देखिए यहाँ पर, सेकंड कंडीशन यहाँ पर देखिए, F2 is a subset of F1. लाइक ये जो होना चाहिए ये Q का सबसेट होना चाहिए. तो यहाँ पर क्या Q over root 2 Q का सबसेट होता है, Q सबसेट होता है Q over root
रूट टू का, इसका मतलब क्या है, ये भी सबस्पेस नहीं बनाएगा फ्रेंड, ये भी सबस्पेस नहीं बनाएगा। ओके इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, यहां पर देख सकते हैं आप फील्ड सेम है, ओके फर्स्ट कंडीशन ट्रू, और इनके बाद अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू है तो मेरे पास क्या होगा, वो सबस्पेस होगा, देन एफ वन ओवर एफ टू इज अ सबस्पेस। ओके तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यू ओवर रूट टू और क्यू रूट टू, ओके ये फील्ड सेम हो गई, ओके ये भी इसका सबसेट हो गया, ठीक है, और ये जो है ये इसका सबसेट हो गया, ये जो है इसका सबसेट हो गया, क्यू ओवर रूट टू खुद का सबसेट होता है अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सारी तीनों कंडीशन फॉलो कर गया, इसका मतलब क्या है, ये सब स्पेस होगा इसका। तो भाई ऐसा टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको सीधा मंत्र दे दिया है इसका, कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसा टाइप का, अभी तो बहुत सारे सब स्पेस का होगा क्वेश्चन, उन सबको बताऊंगा अलग अलग तरीके से बताऊंगा, एकदम बहुत सारी चीजें हैं अभी, तो ऐसा टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो मतलब ये चीज जेब में रखो आप अपने, और बस यही लगाना है आपको, खत्म, और कुछ नहीं करना है। तो ये मेरे पास इसका सब स्पेस होगा फ्रेंड। ओके तो यहाँ पर मैंने सब स्पेस का बताया, अब मैं बताता हूँ वन स्टेप टेस्ट फॉर सबस्पेस, मतलब सबस्पेस चेक करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, वन स्टेप टेस्ट लगाते हैं हम लोग, कैसे लगाते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो ये तो मतलब क्वेश्चन करने के लिए था, अब यहां पर और भी जैसे कुछ चीजें प्रूफ करते हैं या दिखाते हैं कि ये सबस्पेस होगा या नहीं होगा, तो वो कैसे हम लोग देखते हैं वो मैं आपको फ्रेंड बताता हूं। तो यहां पर मैं देखता हूं वन स्टेप टेस्ट, वन स्टेप टेस्ट फॉर सबस्पेस, फॉर सबस्पेस, वन स्टेप टेस्ट यहां पर मैं लगा रहा हूं सबस्पेस के लिए। वो क्या होता है फ्रेंड, ओके वन स्टेप टेस्ट मेरे पास ये होता है फ्रेंड कि फॉर ऑल यू कॉमा वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, फॉर ऑल यू कॉमा वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, अल्फा फॉर ऑल अल्फा कॉमा अल्फा बिलोंग्स टू एफ, अल्फा फील्ड का मेंबर है, सच दैट अल्फा डॉट यू प्लस वी बिलोंग करना चाहिए डब्ल्यू में। तो हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू इज अ फैक्टर स्पेस, डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ वी। लेट यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, वी और एफ बी अ वेक्टर स्पेस एंड डब्ल्यू इज अ नॉन एम्प्टी सेट इज अ सब स्पेस ऑफ, लाइक वन स्टेप टेस्ट में इफ फॉर ऑल यू कॉमा वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ, such that alpha dot u plus v belongs to w। तो हम लोग बोलते हैं क्या होगा फ्रेंड, ये मेरे पास क्या होगा, और w सबसेट है v और f का। देखिए तो यहाँ लिख नहीं रहा हूँ मैं, आपको बस एक जनरलाइज लाइक बता रहा हूँ इसको चीज, इस चीज़ को। ओके तो ये मेरे पास अगर w बिलोंग कर गया तो बोलेंगे w इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। ओके तो ये मेरे पास फर्स्ट स्टेप लाइक वन स्टेप टेस्ट है। ओके और इसके अलावा हम ये भी यूज कर सकते हैं, और ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है फ्रेंड, ये मेरे पास इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है कि अगर मेरे पास अल्फा डॉट यू प्लस वी बिलोंग कर गया डब्ल्यू में तो हम बोलेंगे डब्ल्यू सबस्पेस होगा वी ओवर एफ का, और अगर डब्ल्यू सबस्पेस है वी ओवर एफ का, डब्ल्यू ओवर एफ सबस्पेस है वी ओवर एफ का, तो हम डेफिनेटली बोलेंगे कि ये कंडीशन भी फॉलो करेगी। तो ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है। एक और कंडीशन है और इफ एंड ओनली इफ, और इफ एंड ओनली इफ यहां पर है मेरे पास like or if and only if like u for all u comma v belongs to w, u comma v belongs to w, u plus v belongs to w, and alpha belongs to, for all alpha belongs to w, alpha belongs to f, such that alpha dot u and u for all u belongs to w, मैंने ऊपर ले ही रखा है alpha dot u belongs to w, alpha dot u belong करना चाहिए w में। जैसे कि हम लोग वेक्टर स्पेस में इंटरनल कंपोजिशन एक्सटर्नल कंपोजिशन लगाते थे, यहां पर भी सेम करना है भाई, भाई हम लोग यहाँ पर भी सेम चीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास वन स्टेप टेस्ट हो गया, हमें सब स्पेस चेक करने के लिए क्या करना होगा, अल्फा यू प्लस वी बिलोंग कराना होगा डब्ल्यू में, तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या होगा, सब स्पेस होगा फ्रेंड। ओके तो अब मैं यहाँ पर फ्रेंड्स प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको, वेक्टर स्पेस से रिलेटेड, सब स्पेस से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ फ्रेंड। ओके तो जो कि प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके जैम पर्पज से, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं, जिस टाइप के भी मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, उन प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से देखना है, बस हो गया। ओके तो प्रॉपर्टी है हमारे पास लाइक प्रॉपर्टीज में लिखता हूँ प्रॉपर्टीज। ओके फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास, फर्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रेंड, इफ इफ वी ओवर एफ इज अ वेक्टर स्पेस, इज अ वेक्टर स्पेस, इफ वी ओवर एफ इज अ वेक्टर स्पेस, देन जीरो स्पेस, जीरो स्पेस, जीरो स्पेस क्या होता है फ्रेंड, जीरो ओवर एफ, सिंगलटन जीरो ओवर एफ, जीरो स्पेस एंड v over f
इज ऑलवेज सबस्पेस ऑफ वी ओवर एफ, इज ऑलवेज ऑलवेज सबस्पेस ऑफ वी ओवर F. तो मैंने यहां पर क्या बताया फ्रेंड्स, अगर मेरे पास V और F वेक्टर स्पेस है तो जीरो स्पेस मतलब क्या है, जीरो यहां पर मैंने क्या लिया है, जैसे मैंने बोला था F1 और F2, तो यहां पर F1 क्या लिया है, यहां पर जीरो पिक किया है और यहां पर ये फील्ड है मेरे पास F, जीरो ओवर F, जीरो स्पेस एंड वेक्टर लाइक V ओवर F इटसेल्फ इज ऑलवेज सब स्पेस ऑफ V ओवर F, ये हमेशा दोनों सब स्पेस रहेंगे, हमेशा रहेंगे इसके सब स्पेस रहेंगे, और इनको कहते क्या है, इज कॉल्ड इनको दोनों को कहते क्या हम लोग, इम्प्रॉपर सब स्पेस, इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबस्पेस। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबस्पेस, और रेस्ट ऑफ लाइक रेस्ट अदर स्पेस मतलब इनके अलावा जो स्पेस होगा, इनके अलावा जो सबस्पेस होगा रेस्ट अदर स्पेस इज कॉल्ड प्रॉपर सबस्पेस। तो इनके अलावा जो मेरे पास कुछ भी अगर रहता है सबस्पेस, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर सबस्पेस, और केवल जीरो ओवर एफ और ये वी ओवर एफ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सबस्पेस हमेशा होगा, और इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबस्पेस। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई मेरे पास। अब यहां पर R2 over R हैज ओनली थ्री सबस्पेस। तो R2 ओवर R जो होगा मेरे पास वो हमेशा क्या होगा, हमेशा थ्री सबस्पेस होंगे उसके पास। कौन कौन से होंगे मेरे पास, तो फर्स्ट है मेरे पास 0.0 लाइक ये जीरो स्पेस लाइक बोल सकते हैं इसको, 0.0 हमेशा होगा इसका सबस्पेस, 0.0 हमेशा इसका सबस्पेस होगा फ्रेंड। ओके, और यहां पर सेकंड क्या है, सेकंड लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और थर्ड है मेरे पास इट्सेल्फ आर टू ओवर आर। तो ये मेरे पास बस तीन है, 0.0 हो गया मेरे पास, ये हमेशा सबस्पेस बनाएगा, और ये लाइन इसको बोल सकते हैं लोग इम्प्रॉपर सबस्पेस, ये और ये क्या हो गए, इम्प्रॉपर सबस्पेस हो गया, लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अब देखिए यहां पर अच्छे से समझते हैं हम लोग, थोड़ा सा मैंने क्या बोला है, R2 ओवर R हैज ओनली थ्री सबस्पेस, तो इसके केवल कितने होंगे, केवल थ्री ही सबस्पेस होते हैं। R2 का थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग R2 की बात करें फ्रेंड, तो ये मेरे पास R2 है। ओके, मैंने बोला आपसे कि 0.0 ये जो होगा ये पूरा वेक्टर स्पेस है। देखिए R2 क्या है, अब यहां पर मैं थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो वेक्टर स्पेस मतलब क्या R2 ओवर R मतलब क्या, कि कोई भी पॉइंट मैं लेता हूं, यहां पर A1.0 और यहां पर 0.A2 है, तो ये मेरे पास क्या पॉइंट है, मान लीजिए A1.A2 है, और ये मैंने वेक्टर बनाया, लाइक ऐसा बनाया, वेक्टर होगा, ये भी वेक्टर होगा, ऐसे कितने सारे बना सकते हो आप, कई सारे बना सकते हो, ये पूरा वेक्टर स्पेस, इसको बोलते हैं भाई जहां वेक्टर का घर हो वहां पर स्पेस, वेक्टर स्पेस। तो बस जितने भी सारे होंगे ये सारे वेक्टर ही वेक्टर तो हैं, ये भी वेक्टर घूम रहा है, सब वेक्टर ही वेक्टर तो घूम रहा है, तो इनको रहने का जगह, कहने को मतलब ये है, ये पूरा R2 में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे R2 वाला, मतलब R2 का स्पेस है, लाइक ये वेक्टर स्पेस है मेरे पास R2 ओवर R का। ओके, अब मैं सबस्पेस बोल रहा हूं, पहले तो सबसेट होना चाहिए R2 का सबस्पेस होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या है मेरे पास, मैंने बोला आपको 0.0 होना चाहिए, लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन होनी चाहिए, लाइक ऐसा कुछ ऐसा, अभी मैं बताता हूं सारी चीजें अच्छे से क्लियर करता हूं आपको। तो लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन होनी चाहिए, 0.0 होना चाहिए, और R2 ओवर R इटसेल्फ होना चाहिए। तो सब स्पेस अब मैं यहां पर चेक करना चाहता हूं फ्रेंड। ओके, तो अगर इसके अलावा और कुछ भी देख लूंगा, मैं देख के बताऊंगा अभी आपको, इसके अलावा और भी कुछ मैं देख के बताऊंगा, जैसे देखिए 0.0 लिया, मैंने क्या बताया था सब स्पेस चेक करने के लिए, आपको क्या बताया था फील्ड का, भाई आप अल्फा डॉट यू प्लस वी बिलोंग करना चाहिए डब्ल्यू में, डब्ल्यू आपने क्या ले रखा है 0.0 ले रखा है। ओके, अल्फा कोई भी नंबर लाओगे, मल्टीप्लाई करोगे इससे,
जीरो हो जाना है, और फिर वी जब आप डब्ल्यू से चूज करोगे तो जीरो कॉमा जीरो ही चूज करोगे, जब एडिशन करोगे तो वो जीरो ही आएगा, तो जीरो हमेशा सबस्पेस बनेगा। तो ये चीज हो गया, ओके कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अच्छा मैंने बोला लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, आपकी जो लाइन होनी चाहिए आप एक लाइन ड्रॉ करिए, वो लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन होनी चाहिए, वो ऑरिजिन से पास होने वाली लाइन होनी चाहिए। ठीक है, देखिए ये बनाई मैंने एक लाइन, लाइक इसको मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स एम एक्स प्लस माइनस एम एक्स, लाइक इसको ये भी लाइन हो गई, ये लाइन हो गई मेरे पास, ये लो ये भी वेक्टर स्पेस सब स्पेस बनाएगी, ये भी सब स्पेस बनाएगी, ये भी सब स्पेस बनाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं R2 और R में कितने सब स्पेस होंगे, अगर मैं आपसे पूछूं R2 और R में कितने सब स्पेस होंगे, तो आप झटाक से बोल दोगे अनकाउंटेबल। भाई काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी तो मैंने आपको पढ़ाई रखी है अच्छे से, तो आप यहाँ पर तुरंत बोल दोगे कि अनकाउंटेबल सबस्पेस बनेंगे। ओके तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ एक यहाँ एक यहाँ पर अनकाउंटेबल, एम की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं अनकाउंटेबल, वाई इज़ इक्वल टू रूट टू एक्स, वाई इज़ इक्वल टू टू एक्स, समथिंग समथिंग बहुत सारी चीजें हैं। तो ये मेरे पास सबस्पेस बनाएगा, कैसे सबस्पेस बनाएगा, आपको क्या करना है दो वैक्टर लेना है, आपको क्या लेना है दो वैक्टर लेना है लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन की। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड यहाँ पर, अगर मैं लाइन पास थोड़ा यहाँ पर मैं टाइम दे रहा हूँ हल्का सा, यहाँ पर मैं हल्का सा टाइम दे रहा हूँ क्योंकि जो बिगिनर होते हैं वहाँ यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उनको, यहाँ से अगर उनको अच्छे से बेसिक मिला तो वो आगे बहुत कुछ कर लेंगे, आगे बहुत कुछ कर लेंगे, और इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको बुक में नहीं मिलने वाला है। ओके तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, कि मेरे पास लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, मान लीजिए ये है मेरे पास, ओके लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन मैंने बोला, यहाँ पर आप दो वैक्टर लीजिए, इस लाइन में ही आपको दो वैक्टर लेने हैं। मतलब क्या है, आपने एक ये वैक्टर मान लीजिए लिया, और आपने एक मान लीजिए ये वाला वैक्टर लिया, समझिए इस चीज को, एक आपने ये u वेक्टर लिया, एक आपने ये v वेक्टर लिया, भाई इन दोनों को ऐड करोगे ना तो इसी लाइन में ही आओगे, इसी लाइन में ही आओगे, इस लाइन से बाहर नहीं जाओगे, इसी लाइन में ही आओगे, इस लाइन से बाहर नहीं जाओगे। यही तो वो कहता है, डेफिनेशन क्या कहती है सब स्पेस की, दो एलिमेंट पिक करो उसके, उन दोनों को ऑपरेट करो, जो भी आ रहा है ना वो उसी डब्ल्यू में ही आना चाहिए, तो भाई इनको पिक करो, एडिशन करोगे तो वो इसी में ही आएगा, इसी लाइन में ही आएगा आपका। या तो आपने ये वैक्टर चूज किया, एक दूसरा वैक्टर ये चूज करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो इसी लाइन में ही आ जाओगे, रहे तो आप इसी लाइन में ना, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर क्या बताया था, u प्लस v सेटिस्फाई हो गई आपकी, ओके फिर आप मैंने क्या बताया था, अल्फा डॉट u बिलोंग करना चाहिए w में, अल्फा फील्ड का मेंबर है, फील्ड का भाई कोई भी उठा लो, फील्ड क्या है r है, r मतलब कुछ भी, रूट टू उठा लो, टू उठा लो, थ्री फोर वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू, जो भी उठा लो और मल्टीप्लाई कर दो रूट ये u से, ये ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वैक्टर आगे बढ़ जाएगा, या तो उल्टा हो जाएगा, या तो वैक्टर आगे बढ़ जाएगा, या तो उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव से करोगे उल्टा हो जाएगा, या छोटा हो जाएगा, यही तीन कंडीशन तो होगी। और रहेगा कहां, लाइन में ही तो रहेगा, इसका मतलब क्या, मैंने क्या बोला बार बार मैं आपसे बोलता चला आ रहा हूं कि आपको देखना है सेट कैसा है, मैंने बोला लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, जो भी वेक्टर आप पिक कर रहे हो वो लाइन में ही होना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा है, हालांकि ये बिल्कुल एकदम बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूं एकदम चीजें, आपने खैर पढ़ रखी होंगी, अच्छी बात है। तो यहां पर ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास क्या होगा, कि ये लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन जो होगी वो सबस्पेस बनाएगी, क्यों बनाएगी ये मैंने बता दिया। अच्छा एक लड़के ने मेरे से पूछा कि सर ये लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन से ही होगा तभी क्यों बनेगा, मैं कोई और लाइन ले लूं तो वहां क्यों नहीं बनेगा। मैंने कहा ठीक है बताता हूं आपको। तो मैंने क्या किया वहां पर, मैंने किया कि उस लड़के ने बोला कि सर हमने यहां पर एक लाइन ले ली, ये लो ये वेक्टर स्पेस क्यों नहीं, सब स्पेस क्यों नहीं बनेगा। तो मैंने कहा देखो यहां पर एक वेक्टर ले लो आप, देखो वेक्टर इस पॉइंट पर लोगे ना, पॉइंट ये पॉइंट है मेरे पास, तो वेक्टर यहां से ऐसा जाएगा, लाइक ऐसा जाएगा मेरे पास, ओके। फिर मैंने बोला कि एक पॉइंट यहां ले लो आप, ये मेरे पास एक वेक्टर ये दूसरा हो जाएगा, ओके। अब मैं कह रहा हूं ये मैंने वी वन वेक्टर लिया, लाइन पर लिया है, देखो लाइन पर ही लिया है, ये मैंने v2 वेक्टर लिया। अब मैं बोल रहा हूँ इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर करोगे तो ये मेरे पास लाइक कुछ ऐसा चला जाएगा। आपने वेक्टर एडिशन रूल पढ़ा होगा पैरेलोग्राम, तो ये मेरे पास कुछ ऐसा जाने वाला है फ्रेंड, कुछ ऐसा समथिंग, वो लाइन से बाहर चला गया, ये जो वेक्टर का पॉइंट है, ये वेक्टर का जो पॉइंट है ये मेरे पास कहाँ से, लाइन से बाहर चला गया। इसका मतलब क्या है कि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप कोई भी ले लो, यहाँ पर कोई भी लाइन बना लो, कोई भी लाइन बना लो भाई मेरे, अगर आप ये चीज करोगे दो वेक्टर लोगे तो हमेशा बीच में आगे चला जाएगा, ओके। हाँ या तो फिर ये भी कर सकते हो आप कि एक ये आपने मान लीजिए वेक्टर लिया, अल्फा डॉट वी कर लिया, अल्फा डॉट वी मतलब कि कोई भी आपने टू से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये मेरे पास ये भाग गया। अब बताइए क्या इसका पॉइंट इस लाइन में है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन ही होगा। तो ये चीज भाई एकदम अच्छे से याद रख लो, एकदम माइंड में एकदम घुसा लो इसको, एकदम माइंड में घुसा लो इस चीज को, तो ये बहुत ही
काम आने वाली चीज है। ओके, तो हालांकि बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन जो बिगिनर हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा करेगी, उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा करेगी ये चीज। ओके, तो मैंने बुक तो बताई रखी है आपको, हाफ मैन कुंजी, आप फ्रिडबर्ग पढ़िए, वो आपको आगे तक काम देगी। ओके, अब मैं यहां पर थर्ड प्रॉपर्टी बताता हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, R3 over R has only four types subspace। अब इसी तरह मैं बात कर रहा हूं, यहां पर R3 और R की बात कर रहा हूं, मैंने बात की R2 और R की, अब मैं बात कर रहा हूं R3 और R की। तो आप खुद से सोच सकते हैं, पहली चीज क्या होगी आपके पास, फर्स्ट होगा आपके पास लाइक जीरो स्पेस, 0,0,0, ये सबस्पेस होगा। ओके, फिर सेकेंड आता है मेरे पास लाइक लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, यहां पर भी है ऐसा ही सीन है, आप देख सकते हो, यहां पर आप समझ सकते हो हर चीज को, मैं थोड़ा सा ड्रॉ भी करूंगा यहां पर, लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ओके, थर्ड है मेरे पास प्लेन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, इतना ऑरिजिन पसंद ही क्यों है भाई, अभी सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, प्लेन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। लाइक इक्वेशन क्या होती है प्लेन पासिंग थ्रू ऑरिजिन की, ax + by + cz = 0, ये मेरे पास प्लेन पासिंग थ्रू की ऑरिजिन की इक्वेशन होती है फ्रेंड। और लास्ट में मेरे पास क्या आएगा, फोर्थ इटसेल्फ R3 over R। ओके, तो यहां पर मैंने क्या बताया आपको कि R3 और R जो है उसके पास कितने सबस्पेस होते हैं, 4 होते हैं। ये तो मेरे पास क्या हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, और मेरे पास 2 इसके प्रॉपर होते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी कि ये इसके सबस्पेस होते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। R2 और R में केवल 3 ही होते हैं, इसके अलावा कभी कुछ नहीं होता, इसके अलावा कुछ भी आ रहा है कट दो, हटा दो उसको, सबस्पेस नहीं होगा वो। ओके, और फिर चेक करना, तो अभी मैं इसमें 50 लिख दूंगा, अभी चेक करना आपको सब कुछ आ जाएगा एकदम। ओके, तो ये मेरे पास हो गया। अच्छा, लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, यहाँ पर थोड़ा 3D डायग्राम भी बनाने की मैं कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पर 3D डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास वाई है, ये मेरे पास जेड है। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर मैं प्लेन पासिंग थ्रू ऑरिजिन लेता हूँ, देखिए लाइन का आप समझ सकते हैं कि ये मेरे पास लाइन है, लाइन में फिर मैं 2 वेक्टर लूंगा, फिर वही चीज़ पुराना वाला काम करूंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं यहाँ पर प्लेन पासिंग थ्रू ऑरिजिन में आता हूँ, लाइक मैंने क्या किया, एक प्लेन पासिंग थ्रू ऑरिजिन ले लिया। भाई देखो, यहाँ से आपको नहीं दिखेगा कि ये ऑल पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, मैंने ऐसा प्लेन बना दिया, ऐसा एज्यूम कर लिया, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो आप बिल्कुल एज्यूम कर सकते हो। ओके, यहाँ पर क्या है, ये प्लेन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, मैंने एक वेक्टर ये लिया, दूसरा वेक्टर ये लिया, ये मैं प्लेन में ही वेक्टर ले रहा हूँ, ये मैं प्लेन में ही वेक्टर ले रहा हूँ। ओके, और जब आप इनको ऐड करोगे ना, जब ये प्लेन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है अगर, और जब इनको आप ऐड करोगे तो वो प्लेन में ही रहेगा, कहीं बाहर नहीं जाने वाला है फ्रेंड। और लेकिन अगर आपने इनसे ऑरिजिन से पास ना होके कोई दूसरा प्लेन लिया है, उसमें अगर आप वेक्टर लोगे तो फिर वही कंडीशन आ जाएगी। देखो, कभी भी जब आपको 3D में सोचना हो ना, आप 2D में सोचो, कभी भी आपको 3D में सोचना हो 2D में सोचो, क्योंकि जितने भी मैथमेटिशियन है, जितने भी इमेजिन किया है ना, वो सब 2D से लेके किया है, वो सब 2D से लेके ही किया है। तो आपको 3D में कभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपका 2D पहले स्ट्रांग होना चाहिए, आप पहले 2D में कितना अच्छा सोचते हो ये ज्यादा मैटर करता है। 2D में देखो लाइन में क्या हो रहा था, लाइन में आप 2 वेक्टर ले रहे थे, उसको ऐड कर रहे थे, वो बाहर चला जा रहा था। इसी तरह प्लेन में भी होगा, प्लेन में जब आप वेक्टर लोगे, वेक्टर लेते कैसे हैं, उस पर पॉइंट लेते हैं ना, प्लेन पे पॉइंट लेते हैं और ऑरिजिन से हम लोग मिलाते हैं। 2 पॉइंट लोगे प्लेन पर, ऑरिजिन से मिलाओगे, फिर जब जैसे ही ऐड करोगे वो प्लेन से बाहर चला जाएगा, वो जो पॉइंट होगा उनका ऑपरेशन का पॉइंट होगा वो प्लेन से बाहर चला जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये मेरे पास क्या होगा, प्लेन पासिंग थ्रू ऑरिजिन ही होगा, और ये मेरे पास क्या हुआ, इटसेल्फ R3 ओवर R हो गया। ओके, तो ये मेरे पास R3 और R के पास कितने होंगे, 4 सबस्पेस होंगे। देखो, मैं रटा तो नहीं रहा हूँ आपको, याद और नहीं करा रहा हूँ, इस चीज़ को समझा रहा हूँ अच्छे से कि ये क्यों होंगे। तो जाहिर सी बात है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल लिखता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि सबस्पेस होगा कौन सा नहीं होगा फ्रेंड। तो इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है फ्रेंड कि कौन सा होगा सबस्पेस, कौन सा नहीं होगा। तो मेरे पास ये क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर सबसे पहले v इज इक्वल्स टू R2 और R लिया है। तो आप अपनी कॉपी वगैरह निकाल लीजिए और उसको रफ में अच्छे से जो भी यहाँ पर क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसको खुद करने की कोशिश करिए उस चीज़ को। ओके, फर्स्ट है मेरे पास, और ये लगभग कहीं कुछ जगह आए हुए क्वेश्चन भी हैं, लाइक x, y such that x² + y² = 0 for all x, y belongs to R। ओके, और ये मेरे पास सेकेंड है ऑप्शन w2 = x, y
such that x square plus y square is less than equal to 1 for all x comma y belongs to R. Okay, third है मेरे पास w3 is equals to x comma y such that x square minus y square is equals to 0 xy belongs to R for all यहाँ पर कर दिया. ठीक है, कुछ लोग नाराज हो गए होंगे. यहाँ पर for all x comma y belongs to R कर दिया मैंने. ओके और यहाँ पर फोर्थ है मेरे पास w4 is equals to x comma y such that xy is equals to 0 for all x comma y belongs to R. ओके फिर फिफ्थ ऑप्शन है मेरे पास w5 is equals to x comma y such that xy is greater than equal to 0 for all x comma y belongs to R. ओके फिर मेरे पास ओके ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया. और फिर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबस्पेस. अब यहाँ पर भी लिख, ये मेरे पास वी आर टू और आर के हैं क्वेश्चन, वी आर टू और आर के क्वेश्चन है. यहीं पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर मैं देखा, यहाँ देखा जाए तो डिस्कस करते हैं हम लोग. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वन है. यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वन है. ओके अब आप देखेंगे इसको आप ले सकते हैं, इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, वन कॉमा जीरो पिक करें आप और यहाँ पर 0.1 पिक करें. प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है बिल्कुल, जैसे ही 1.0 रखेंगे 1 आ गया, 0.1 रखेंगे 1 आ गया. जैसे मैं इनको ऐड करूंगा, मैंने क्या बोला दो वेक्टर, देखिए ये दो पॉइंट, देखिए मतलब क्या है इसका, समझिए इस चीज को, समझिए इस चीज को. इसमें कौन से पॉइंट है, एक्स कॉमा वाई टाइप के पॉइंट है. इसमें कैसे पॉइंट है, एक्स कॉमा वाई टाइप के पॉइंट है. तो यहां पर मैंने वो पॉइंट निकाल लिए, 1.0, 0.1 ये दोनों पॉइंट होंगे. इनको ऐड करो जरा, क्या आता है मेरे पास 1.1 आना चाहिए, 1.1 आएगा और ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए. तो 1.1 क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, काट दो. बस ऐसे देखना है हमको. ओके यहाँ पर थर्ड में देखते हैं हम लोग एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो. एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो हमें देखना है भाई. देखो अगर कभी भी ऐसा ऐसा कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आता है, कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया तो पहले आप क्या करो, स्पेस देखो. देखो मैं यहाँ पर क्वेश्चन कराने के लिए नहीं बैठा हूँ कि बस आपको आंसर टिक लगा दिया तो आपका काम हो गया. मैं आपको सोच आपकी डेवलप करना चाहता हूँ, जैसा कि आपने ग्रुप थ्योरी में देख ही रखा है, रियल में भी देख रखा है. जो लोग मुझे देखते हैं तो आप जान ही रहे हो बहुत अच्छे से कि मैं बताता हूँ आपको चीज़ें कि सोचनी कैसे हैं. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चीज़ें सोचनी कैसे हैं आपको. तो देखिए आपको क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट कैसे बनाने हैं आपको देखना है कि आर टू की चीज़ें हैं तो हमें क्या चीज़ें होती है, बस तीन ही होते हैं, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, 0.0 और R2 और R, ये बस खत्म. इसके अलावा कुछ नहीं होता. फिर आप क्या करिए, जो भी कंडीशन गिवेन हो, जो भी कंडीशन गिवेन हो उसमें क्या करिए, पॉइंट रख के देखिए. क्योंकि ये देखो जिस हिसाब से सेट दिया रहता है उसी हिसाब से हमको सोच कर, मतलब सोचना है उसी हिसाब से. जिस तरह से सेट के एलिमेंट होंगे उसी तरह से हमको क्या करना है, सोच बढ़ानी है अपनी. हमको कैसे सोचना है, इस टाइप के एलिमेंट की सोचना है, इस टाइप के एलिमेंट की सोचना है, मतलब कि ऐसे टाइप के एलिमेंट को सोचना है जो इसको सेटिस्फाई करे. ऐसे टाइप के एलिमेंट को सोचना है, ऐसे टाइप के पॉइंट को सोचना है जो इसको सेटिस्फाई करे. तो भाई इसको सेटिस्फाई कैसे करेंगे, एक्स वाई इसको जीरो. अब आप समझ सकते हैं कि एक्स वाई जो है आप ले लो 1.0 ले लो. देखो मैं यहां पर कुछ याद वत करके नहीं आया हूं कि मैं आपको यहां पर सीधा 1.0 बता दे रहा हूं या 0.1 बता दे रहा हूं. ऐसे ही आपको भी सोचना है और आप सोच लोगे अच्छे से, कुछ भी टफ नहीं है, आप सोच लोगे अच्छे से. मैं क्यों बता रहा हूं, देखिए समझने की कोशिश करिए, ये आप भी बनाइए. जो मैंने यहां बताया है कि ये पॉइंट इसमें, इस सेट में कैसे पॉइंट आ रहे हैं, एक्स कॉमा वाई टाइप के पॉइंट आ रहे हैं. और ज्यादा बड़ा नहीं सोचना होता कि 4.5, 5.6, हमेशा छोटा सोचो. आपको मैं यहां बताऊंगा, रिंग थ्योरी में बताऊंगा, जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा डायग्नोसिबिलिटी वगैरह बताऊंगा, छोटी सोच बताऊंगा. छोटी सोच में बड़े बड़े क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, छोटी सोच में बस केवल. तो आपको छोटा ही सोचना है, ज्यादा बड़ा नहीं सोचना है इसमें. ओके तो हाँ यहां पर आप देखिए आपको पॉइंट कैसे लेना है, एक्स कॉमा वाई टाइप के लेने हैं. क्योंकि देखिए जो बिल्कुल ही ज्यादा वीक होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार इन्होंने पॉइंट कैसे ले लिया, इतनी जल्दी उनके माइंड में पॉइंट पॉइंट कैसे आ गया, इन्होंने सब पढ़ रखा है ऐसे इसलिए जल्दी आ जा रहा है. ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ आपको सोचना कैसे है, इसमें पॉइंट कैसे है, एक्स कॉमा वाई टाइप के हैं. तो आपको जो पॉइंट लेने होंगे एक्स कॉमा वाई टाइप के लेने होंगे जो इसको सेटिस्फाई करे. और सोचना कैसे है कि देखिए जीरो कब आएगा, जब इनमें से कोई एक जीरो होगा, इनमें से कोई एक जीरो होगा तो एक की जीरो रख लो आप, एक को कोई जीरो रख लो तो 1.0 इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा. अब 0.1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, डेफिनेटली करेगा. इन दोनों को ऐड करो जरा, क्या आएगा 1.1, क्या ये सेटिस्फाई करेगा, इसको नहीं करने वाला है. क्योंकि 1 × 1 क्या होगा, 1 होगा. तो यहाँ पर ये सब स्पेस नहीं बनाएगा फ्रेंड. तो बस कुछ नहीं करना है आपको, चीजें अगर नहीं समझ में आ रही फिर से देखिए अगर आप बिगिनर हैं तो. ओके यहाँ पर देखिए W5 हाँ इसको सु एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या तो जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है भाई, इक्वल वाला केस यहाँ लगा लो.
हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये भी सबस्पेस नहीं बनेगा, ये भी सबस्पेस नहीं बनेगा, क्योंकि इक्वल अकलेस आप लगा सकते हो इसको। ओके या हाँ ठीक है। अब देखिए तो ये मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास कुछ एग्जांपल हुए R2 और R के। अब मैं यहाँ पर R3 ओवर R के कुछ एग्जांपल बताता हूँ इसी तरह। अब मैं यहाँ पर कुछ R3 ओवर R के एग्जांपल बताता हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं R3 ओवर R के एग्जांपल बताता हूँ। ओके वी इज इक्वल टू R3 ओवर R। अब मुझे बताना है कि कौन सा इसमें सबस्पेस होगा, कौन सा इसमें सबस्पेस होगा। तो फर्स्ट है मेरे पास W1 is equals to x, y, z such that x plus y is equals to 0. Second है मेरे पास x, y, z such that x minus y is equals to 0. Third है मेरे पास x, y, z such that x plus y is equals to 1. Fourth है मेरे पास x, minus y is equals to 1. Fifth है मेरे पास x, y such that x, y belongs to z. Okay, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्वेश्चंस हैं, ये मेरे पास क्वेश्चंस हैं। और भी मैं क्वेश्चंस देता हूँ आपको, और भी चेक करने के लिए देता हूँ। ओके लाइक क्वेश्चन इफ R3 और R इज क्वेश्चन। ये मेरे पास V और F, ये वेक्टर स्पेस है मेरे पास। अब इसमें आपको चेक करना है, फर्स्ट है मेरे पास W1 is goes to x, y such that ax plus, देखिए जितने आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतने ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फॉर ऑल a, b, c, समथिंग, ये सारा बिलोंग्स टू R है। देखिए जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको होगा, ऑब्जेक्टिव लाइक अप्रोच बहुत अच्छी होगी आपकी। तो W2 is goes to मेरे पास x, y, z such that x square equals to y. Okay, W3 is goes to x, y, z such that 2x square plus y square plus 7z square is equals to z. Okay, W4 मेरे पास क्या है, x, y, z such that x is greater than 0. 5 मेरे पास क्या है, x, y, 2x plus 3y such that x, y belongs to R. W6 मेरे पास क्या है, x, 0, 0 such that x belongs to R. देखिए इसको आप ट्राई करिए, W7 क्या है, और फिर इनके तो सॉल्यूशन 0 सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू 0. W8 एक्स वाई कॉमा जेड सच दैट 7x स्क्वायर प्लस 4y टू द पावर 20 प्लस 19z टू द पावर 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हिच इज सिमिलर टू R3. एंड W9 is equals to x, y, z such that x, y, z belongs to rational. Okay, W10 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ friends. Okay, W10 is equals to x, y, z such that x to the power 2017 plus 10 y to the power 2016 plus 11 z to the power 2019. Okay, is equals to 0. तो ये मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, और ये आपको देखने हैं कि कौन सा इसमें वेक्टर स्पेस होगा, कौन सा नहीं होगा, सब स्पेस होगा कौन सा नहीं होगा फ्रेंड। तो ये आप ट्राई करिए और फिर मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड इसको, ये आप ट्राई करिए और फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें। ओके तो यहाँ पर अब मैं सॉल्यूशन इसका बताता हूँ फ्रेंड। ओके फर्स्ट वाला देखते हैं, x + y = 0 लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, मतलब लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है मेरे पास इन R3, तो ये मेरे पास होगा। ओके x - y = 0 ये भी होगा, इसकी बात करूं तो ये नहीं होने वाला है क्योंकि ये प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सॉरी ये प्लेन पासिंग है, ये प्लेन है मेरे पास x + y = 1, ये मेरे पास R3 में क्या होता है, प्लेन होता है, जो कि नहीं होने वाला है। x plus y is equals to 1 नहीं होने वाला, या तो हमें एग्जाम्पल से सीधा ले लूँ, 100 ले लो आप, 100 ले लो, 010 ले लो, 0 और उनको ऐड कर दो तो 1, 1, 0 आ जाएगा, जो कि फिर आप x plus y क्या करोगे ऐड करोगे तो मेरे पास वो 2 आएगा, तो ये नहीं आने वाला है। या तो आप प्लेन से भी देख सकते हो, कैसे भी देख सकते हो, ये तो नहीं होने वाला है फ्रेंड। ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं W4 x, y, z x minus y is equals to 1, फिर से वही चीज़ हो गई, 10 ले लो। ओके या आप x माइनस वाई इसको सुवन, ये मेरे पास क्या हो गया, प्लेन हो गया, जो कि ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है फ्रेंड। तो इसका मतलब क्या है, ये भी नहीं होने वाला है। ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास जेड है, सॉरी ये इंटीजर है, इंटीजर है। अब आप देख सकते हैं x, y belongs to z, ये मेरे पास इंटीजर है। और अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इंटीजर है, अगर मैं फील्ड से कोई
कोई भी रैशनल का एलिमेंट ले और इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो इंटीजर नहीं रह जाएगा। इसका मतलब क्या है, बस मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इंटरनल कंपोजिशन कर रहा हूँ, एक्सटर्नल कंपोजिशन देख रहा हूँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन, बस यही दो चीजें देख रहा हूँ, उसके दम पे मैं यहाँ पर डिस्कार्ड कर रहा हूँ ऑप्शन को। ओके, यहाँ पर देखेंगे आर थ्री और आर, इसको से व्यू आर फाइव, अच्छा यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, आंख बंद करके टिक लगा दो। यहाँ पर देखिए y इक्वल्स टू x स्क्वायर है मेरे पास, y इक्वल्स टू x स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप जब देखेंगे y इक्वल्स टू x स्क्वायर है, अच्छा अभी मैं 3D में तो ग्राफ नहीं बनाऊंगा यहाँ पर, तो इसको तो मैं बता चुका हूँ, खैर इसको मैं बता चुका हूँ, तो इसको मैं हटा सकता हूँ। ओ लास्ट वाला हट गया, कोई नहीं, लास्ट वाला भी बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ लास्ट वाला था 2016 प्लस 11 जेड टू द पावर 2019 इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हाँ इस पर देखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई है मेरे पास। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर 1-1 ले लूँ, सिंपल सा ले लूँ एग्जाम्पल, 1-1-0 ले लूँ, 1-1-0 ले लूँ और दोबारा भी मैं 1-1-0 ले लूँ, मैंने पॉइंट है यहाँ पर, कौन से पॉइंट आ रहे हैं, मुझे पॉइंट देखने हैं, मुझे फोकस किस पे करना है, पॉइंट पे करना है। 1-1-0 मैंने लिया, सेकंड भी 1-1-0 ही ले लिया, जो इसको सीधे कर रहे हैं, ऐड किया जब मैंने 2,2,0 आ गया, अब बताइए क्या ये 2 2 स्क्वायर के इक्वल होगा, कभी भी नहीं होगा फ्रेंड, इसका मतलब क्या है, वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई नहीं किया इसने। तो अब यहाँ पर अब देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये नहीं होने वाला है, सॉरी ये नहीं होने वाला है, इसमें चलेंगे हम लोग। अब देखिए करता हूं मैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां पर अगर मैंने ग्रेटर देन लिया, मान लीजिए 2, something कुछ भी लिया, लेकिन फील्ड से मैं कोई नेगेटिव एलिमेंट लाया और यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये मेरे पास नेगेटिव बन जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये भी नहीं बनने वाला है। तो आप समझ रहे होंगे सारी चीजें। ओके, यहां पर आप देखिए x, y, 2x + 3y है मेरे पास। अब आप देखिए x, y r से बिलोंग कर रहा है, अगर आप फील्ड से, मैं एक एक्सटर्नल कंपोजिशन की बात करूँ, फील्ड से आप कोई भी एलिमेंट लाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आर में ही रहने वाला है, सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। आप एक्स और वाई कोई भी चूज करिए, एक्स और वाई और कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं आप, कुछ भी चूज करेंगे तो ये हमेशा रियल में ही बिलोंग करेंगे, कहने का मतलब ये है, मतलब मेरे पास ये ऐसा ही आएगा, इसका मतलब क्या है फ्रेंड, ये हमेशा वेक्टर सबस्पेस बनाएगा फ्रेंड। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं x, 0, 0 ये हमेशा बनाएगा, 1, 0, 0 ले लो आप, 2, 0, 0 ले लो, कभी भी ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास ये x, 0, 0 ऐसा ही रहेगा और x हमेशा रियल पे ही बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये हमेशा सबस्पेस बनाएगा। इसी तरह मैं बात करूँ xy0 की बात करूँ, तो 1, 0, 0 ले लो आप एग्जाम्पल, 0, 1, 0 ले लो आप एग्जाम्पल, तो ये नहीं बनाने वाला है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको यहाँ काउंटर एग्जाम्पल, 1, 0, 0 ले लो, ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, 1 × 0 करेंगे आप होगा, 0, 1, 0 ले लो आप, 0, 1 करेंगे तब भी हो गया, ठीक है, ऐड कर दीजिए इनको, 1 × 1, 1 × 1 0 होगा, नहीं होगा फ्रेंड, इसका मतलब क्या है, ये भी सबस्पेस नहीं बनाएगा। इसमें आ सकते हैं w9 x, y, z बिलोंग्स टू रैशनल। अब ये अगर रैशनल से है, अगर मैं यहाँ पर इरैशनल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास रैशनल नहीं रह जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये भी सबस्पेस नहीं बनाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ, बस दो चीज़ें देख रहा हूँ, एक एडिशन देख रहा हूँ और मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख रहा हूँ। ओके, अब मैं लास्ट एग्जाम्पल लेता हूँ फ्रेंड, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारी पावर इवन नहीं है, तो यहाँ पर 0, 0 हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं, 0, 0 कंडीशन कंसीडर नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया भाई, देखो एग्जांपल काउंटर एग्जांपल, आप अपने ही दिमाग से सोचो, आपको लग रहा होगा कि ये बंदा जो सामने खड़ा है वो बड़ी जल्दी से सोच के बता दे रहा है मुझे, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको खुद से ही सोचना पड़ेगा, आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी अप्रोच अच्छी होगी और आप अच्छे जल्दी से सोच लोगे। मैंने क्या बोला, छोटी सोच हमेशा रखो, देखिए यहाँ 10 है यहाँ 11 है, तो कुछ आप ऐसा करो कि ये 0 बन जाए, आपको 0 बनाना है तो 1-1 में सोचा करो, अधिकतर चीजें 1-1 है। आपने देखा होगा कि मैंने जितने भी एग्जाम्पल लगभग काउंटर एग्जाम्पल बताए वो 1, 0, 1, 1-1 ऐसे ही बताए, ऐसे ही तो बताया ना मैंने, ऐसा लिया क्या 2, 3 ले लिया, 4, 5 ले लिया, ऐसा कुछ लिया क्या? कैलकुलेशन मुझे टफ नहीं करनी है, मुझे इजी बनाना है, लीनियर बहुत सिंपल होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 1, 1-1 ऐसा टाइप का कुछ चूज करना है यहाँ पर। ओके, अब आप क्या चूज कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ 1 बना लीजिए, यहाँ 1 बना लीजिए, यहाँ -1 बना लीजिए, तो ये मेरे पास क्या होगा 1, 1, -1 रख के देखिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। आप जैसे ही 1 रखेंगे यहाँ 1 रखेंगे तो मेरे पास क्या होगा 10+1 11 होगा, यहाँ -1 जैसे रखेंगे -11 होगा, वो 0 आ जाएगा मेरे पास। ओके, अब ये मेरे पास एक पॉइंट, फिर मैंने यही ले लिया दोबारा, यही पॉइंट फिर से ले लिया।
ओके okay, अब आप इसको ऐड करेंगे जब तो मेरे पास क्या आएगा 2, 2, -2 आ जाएगा। ओके okay, क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा? तो ये आप उसको चेक करके देख सकते हैं, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। या मैं ही चेक करके बता देता हूं आपको, 2, 2, -2 क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? तो मैं इसको चेक करके बता देता हूं। वैसे 2^2017 + 10 × 2^2 इतना टफ नहीं है, हालांकि कॉमन ले लूंगा 11 × 2 − 2^2019। अब देखिए इसको मुझे जीरो लाना है, तो 2 की पावर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 2^16 मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या आया 2 + ये मेरे पास आ गया लाइक 10 - ये मेरे पास क्या हो जाएगा फ्रेंड। अब आप देखिए यहाँ पर अगर 16 लूंगा तो -2 की पावर मेरे पास क्या हो बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, -2 की पावर 3 बचेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं 10 + 11 × -2^3। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 + 2 = 12 हो गया, और यहाँ मेरे पास आएगा 8, 11 × 8 = 88। तो क्या ये कभी जीरो बन पाएगा? तो ये जीरो कभी नहीं बन पाएगा फ्रेंड, इसका मतलब क्या है, ये भी वेक्टर सब स्पेस नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने कई सारे एग्जांपल बताए आपको, जिससे आप देख सकते हो कि ये सब स्पेस होगा कि नहीं होगा। और आप फिर अपनी बुक में, आप मैंने आपको बुक बताई दिया, फ्रीडबर्ग पढ़िए, हाफमैन कुंजी पढ़िए, उसमें आप देखिए, तो वहाँ पर आपको कई सारे और भी एग्जांपल मिल जाएंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया फ्रेंड। ओके।